ये नहीं कि पहले डी सी यू ना, ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश के कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि अक्सर टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास कुछ क्या है। इसको कहते हैं एक्चुअली सबसे पहले अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? तो होता है वर्ड माला। अक्सर लोग पूछते हैं कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, लोग कहते हैं 26। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। कितने होते हैं चलिए देख लेते हैं और क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट होते हैं सेट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, मतलब सेट ऑफ लेटर होता है इन अ फिक्स्ड ऑर्डर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी डी, ऐसे ए ई आई ओ यू ऐसे करके जेड, तो ये हो गया सेट ऑफ लेटर्स, हो गया ए टू जेड, मतलब ए से लेकर जेड तक सेट ऑफ लेटर्स हो गया इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। एक फिक्स्ड ऑर्डर मतलब पहले ए बी सी डी ऐसे, ये नहीं कि पहले डी सी यू ना, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? इसलिए ए बी सी डी ऐसे करके जेड तक तरीके से हो जाएगा, तो क्या सेट ऑफ लेटर्स हो गया। इसको क्या कहेंगे? वर्णमाला। ध्यान देखना, ये जो सेट ऑफ लेटर्स होता है कितने होते हैं इंग्लिश में? वन ही होते हैं। कितने होते हैं? वन। 26 मत कह देना अल्फ़ाबेट होते हैं, इसलिए कहते हैं वर्ड माला। देखिए वर्ड का मतलब होता है लेटर, माला का मतलब होता है गार्लैंड, हम समझ सकते हैं, यानी वर्डों की ऐसे करके माला बनती है, राइट, इस तरीके से। तो ये होता है वर्डों की माला यानी वर्ड माला, जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, एक अल्फ़ाबेट होते हैं। और इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट आया है, ये अल्फ़ाबेट आया है दो शब्द से, जिसका नाम है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है ग्रीक अल्फ़ाबेट का फर्स्ट स्टार्टिंग वाला लेटर होता है, यानी ग्रीक में जो अल्फ़ाबेट, ग्रीक का अल्फ़ाबेट होता है उसमें कितने लेटर्स होते हैं? 24 लेटर्स होते हैं, 24 लेटर्स होते हैं ग्रीक वाले में उसका। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ग्रीक का है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन हीटा फीटा खापा छाव सिग्मा जेटा ओमेगा, मैंने कुछ यहाँ पर लिख दी हैं, जबकि मैंने 24 नहीं लिखे, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। देखना मैंने इन सब को, देखिए ये होता है ग्रीक का लेटर्स होता है, जो अल्फ़ाबेट की बात कर रहा था। यहाँ आपने देखा हीटा थीटा, यहाँ पर हीटा के बाद ऐसे लिखा है, थीटा के बाद भी ये ई बना के ऊपर ऐसे लिखा है बार टाइप का। क्लियर? तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है? ध्यान देखना, ये जो ई है थोड़ा नॉर्मली पढ़ा जाता है, ये ई जो है थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है जब इसके ऊपर ऐसे लग जाता है। इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं ई, इसको ई, इसको ई। एक और साउंड होता है जिसको कहते हैं ये आय वाला, जो छोटी ए होता है ई ई ई ई ई ई, तो ये थोड़ा मिडल वाला होता है, एकदम छोटा वाला होता है, ये बड़ा वाला। तो इसको बोलते हैं थीटा, इसको हीटा हीटा जीटा बीटा, इस तरीके से पढ़ते हैं। क्लियर? अब चलिए देख लेते हैं, तो 26 लेटर्स होते हैं, उतना समझ में आ गया। ये 26 लेटर बनाते हैं 44 साउंड, यानी जो 26 लेटर हमारे पास होते हैं वो टोटल बनाते हैं 44 साउंड्स बनाते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये देखिए फोनोलॉजी, व्हाट इज द फोनोलॉजी? फोनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ साउंड। अगर आप 44 साउंड की स्टडी कर रहे हो तो उसको कहते हैं एक्चुअली फोनोलॉजी। बाय द वे, जो फोनोलॉजी आया है ये फोन से आया है, और फोन का मतलब होता है साउंड। क्या होता है? फोन। फोन का मतलब होता है एक्चुअली साउंड होता है। नेक्स्ट लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो फोनोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ साउंड, यानी 44 लेटर्स का आप अगर स्टडी कर रहे हो उसको बोलेंगे फोनोलॉजी, इस तरीके से बोल देंगे। क्लियर? अब देखना, जो 44 साउंड्स होते हैं 26 लेटर्स के, हम लोग जानते हैं कि 5 वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू ऐसे करके, तो 5 वाउल्स जो होते हैं वो टोटल साउंड निकालते हैं 20 साउंड, यानी वाउल साउंड हो जाते हैं। और जो हमारे 21 कंसनेंट होते हैं वो 24 कंसनेंट साउंड निकालते हैं, तो 20 + 24 मिलाकर हो जाता है 44 साउंड, एंड 5 एंड 21 मिलाकर हो जाता है कितना लेटर्स? 26 लेटर्स, इस तरीके से होता है। जो ये वाउल साउंड होता है ये दो भाग में इसको कैटेगराइज करा जाता है, एक होता है मोनोफोंग्स, एक होता है डिफोंग्स। मोनोफोंग्स टोटली 12 होते हैं एंड डिफोंग कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो देखना प्लीज़, 12 and 8, इट्स मीन 12 and 8 टोटल हो गया 20, इस तरीके से। ये जो मोनोफोंग्स होता है इसको प्योर वाउल कहते हैं या सिंगल वाउल साउंड भी कहते हैं, और जो 8 ये डिफोंग्स है इसको मिक्स्ड वाउल कहते हैं या फिर इसको इम्प्योर वाउल साउंड भी कहते हैं। ध्यान देखना, इसमें सिंगल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे करके लिख दिया ऐसे, जिसको होते अ, ऐसे स्व साउंड करके अ ऐसे, तो इसमें एक ही ऐसे करके बना लिया इस तरीके से, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ई ई छोटी ई, इस तरीके से क्लियर ऐसे करके लिख दिया। तो ये सारे क्या होते हैं? सिंगल नॉर्मल नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? मिक्स टाइप का होता है, जैसे आपने कभी ऐसा साउंड इस तरीके से देखा होगा। क्लियर? तो ये क्या होता है? डिफोंग्स, जिसमें डिफ ये डाई मतलब दो, जिसमें दो यानी मिक्स करके बना होता है वो होता है डिफोंग्स। ये टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं वाउल साउंड के। ध्यान देखना, हमारे पास एक होता है सेमी वाउल। क्या होता है? सेमी वाउल। सेमी वाउल वाई एंड W को सेमी वाउल कहते हैं, इस तरीके से। मतलब टोटल हमारे पास 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 वाउल हो जाएगा, लेकिन इसको कंसनेंट में रखा जाता है। जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूँ हैप्पी, क्या लिखता हूँ?
हैप्पी, क्लियर। अब ध्यान से देखना प्लीज, ये देखिए वाई है जबकि कंसनेंट में आता है, और फाइव ए ई आई ओ यू ये होता है वाउल वाला हो जाता है, क्लियर, फाइव हो जाते हैं। लास्ट में इसको लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है ऐसे करके, क्लियर, हैप्पी ऐसे करके। बाय द वे इसको पढ़ते हैं एक ही पाव पढ़ते हैं, लेकिन लिख दिया मैंने इस तरीके से क्योंकि ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो ये क्या होता है, ये वाला देखना, ये साउंड यानी है तो कंसनेंट लेकिन बना क्या रहा है, वाउल बना रहा है, यानी ये कंसनेंट का क्या लिया है, क्वालिटी लिया है, और वाई भी जो बड़ी ई है ये एक वाउल की क्वालिटी होती है, तो ये वाउल की क्वालिटी होगी मतलब वावेल की, और ये क्या हो गया है कंसनेंट, तो दोनों मिक्सर है इसलिए इसको कहते हैं सेमी वाउल। सेमी का मतलब होता है अर्ध, वाउल का मतलब होता है स्वर, ये जिसको कहते हैं अर्ध स्वर। गाइज आई होप दैट आपको नॉर्मली ये बेसिक नॉलेज समझ में आएगा, अगर सप्तम समझ में आएगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें जितने इंग्लिश को इस तरीके से वीडियोज़ के लिए, मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे ऐसी कुछ वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेस्ट, हैव अ गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, हैव जय हिंद, जय भारत।